नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी जो फॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनमें से 7 नंबर फॉर्म में जो चेंज हुए हैं उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक BLO है तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमारे सामने जो सबसे सरल काम था वो 7 नंबर फॉर्म को भरना था, लेकिन वह उतना ही अब जटिल हो गया है। क्योंकि पहले हमें 7 नंबर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब उसके लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप 7 नंबर फॉर्म भर रहे हैं तो उचित कारण से और उसके साथ साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको किस प्रकार से 7 नंबर फॉर्म को भरना है और इस बार जो 7 नंबर फॉर्म में चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं और किस प्रकार से ये भरा जाएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे आपको दिखा हुआ होगा फॉर्म नंबर 7 है, तो उक्त नियमों के प्रारूप 7 और 8 के स्थान पर 7 और 8 दोनों को मिलाकर एक इस प्रारूप को रखा गया है जो इस प्रकार से है। तो ये नियम 13(2) और 26 के अंतर्गत इसकी नामावली को आप देख सकते हो किस प्रकार से इसे क्रिएट किया गया है। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने हटाने के प्रस्ताव के आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन। कोई भी नाम अगर सम्मिलित हो रहा है पुनरीक्षण कार्यक्रम में और किसी व्यक्ति को आक्षेप है तो ये फॉर्म भर सकता है, या फिर पहले से नामावली में नाम दर्ज है और उसे हटाने का भी आक्षेप उसमें किया जा सकता है। अब जैसे कि उसमें किसी एक जैसे कि ERO को संबोधित करते हुए और उस विधानसभा क्षेत्र संख्या और उसका नाम, संख्या जैसे 134 नाम हम लिख देते हैं शिव, ठीक है। उसके बाद में आवेदक, आवेदक वो होगा जो किसी भी मतदाता का नाम हटाने का आक्षेप करता है, जिसका नाम उस मतदाता सूची में हो या ना हो लेकिन उस मतदाता सूची में आए हुए नाम या आने वाले नाम पर आक्षेप जो करेगा उसका नाम आवेदक के नाम के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर उसके EPIC नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में उसके स्वयं के मोबाइल नंबर आ जाएंगे और नातेदार के मोबाइल नंबर अगर हो तो आप दे सकते हो, अन्यथा नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद में विशेष 3 कारण या फिर 3 प्रकार से किसी एक पर आपको राइट क्लिक करना है कि किस कारण से नाम को हटाया जा रहा है। तो पहला है, मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूँ। तो इन कारणों में से जैसे मृत्यु हो गई है या अभी तक उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है या फिर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है या पहले से कहीं नामांकित है या फिर वह भारतीय नागरिक नहीं, इनमें से किसी एक कारण पर आपको टिक करना है, ठीक है। या फिर दूसरा कि मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से वर्तमान नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मतलब नामावली में उसका नाम तो नहीं है लेकिन अगर कोई नाम फॉर्म आया उस प्रकार का और अगर आप उसको सम्मिलित कर रहे हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस पर आक्षेप कर सकता है और उसका उचित कारण देगा। क्यों? कोई एक कारण, या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है या उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है या वो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है, कहीं और शिफ्ट हो चुका है या पहले से नामांकित है कहीं या फिर वो भारतीय नागरिक नहीं है। तीसरा, मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का अनुरोध करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अपने नाम को हटाने का अनुरोध इसके माध्यम से, तो स्वयं कोई फॉर्म भर रहा है तो इसके लिए आप इस पर टिक करोगे और कौन सा है जो पहले से नामांकित है कहीं या स्थायी अनंतरित रहे या फिर वह भारतीय नागरिक नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में वो अनुरोध कर सकता है। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है उसका आप यहाँ पे एड्रेस दे दोगे, उसका नाम लिख दोगे यहाँ पे, उसके बाद उसका उपनाम और उसके बाद में EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो, क्योंकि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति ये होती है कि कोई अगर आपके पास फॉर्म आया है आप उसे शामिल करना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरा आक्षेप कर दे तो उस स्थिति में उसके पास EPIC नंबर नहीं होंगे, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर उसके एड्रेस लिख दोगे और उसके बाद में यहाँ पूरा जैसे गली नंबर हो गया, डाकघर हो गया, तहसील हो गया, राज्य क्षेत्र हो गया, तो ये सारा इसमें विवरण आ जाएगा। उसके बाद में एक घोषणा पत्र दिया जाएगा किसके द्वारा, आवेदक के द्वारा।
आवेदक जो नाम को हटाना चाहता है, जिसने आक्षेप किया है, वो ये इस प्रकार से घोषणा करेगा कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है, जिसके मिथ्या होने पर मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने पर मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने दोनों में दंडनीय है। अगर ये गलत है तो उसे इस प्रकार की सजा का प्रावधान है और उसके यहाँ पे आप नीचे साइन करवा देंगे और उसके पश्चात यहाँ पर एक उसको रसीद दी जाएगी जिसे संबंधित AERO ERO या संबंधित BLO एक साइन करके उसको एक रिसिप्ट दे देगा, ताकि भविष्य में अगर वो इस प्रकार से देखना चाहे कि उसके द्वारा भरा गया फॉर्म आगे उसकी कार्यवाही हुई या नहीं हुई, तो इस संबंध में उसे एक रसीद दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको देखा गया है कि अगर आप यहाँ पे मृत्यु का बताते हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। अगर कोई महिला जिसकी शादी हो गई है और एक विधानसभा क्षेत्र में उसका पहले से नाम है और उसे हटवाना चाहते हैं तो उसे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप ऑनलाइन, यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा लेकिन ऑनलाइन फॉर्म आप जैसे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे उसे अपडेट कर दिया गया है 1 अगस्त 2022 के पश्चात, इसमें ये ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप मृत्यु दिखा रहे हैं तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 7 नंबर फॉर्म आप कैसे भरोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।